हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द वीडियो ऑफ क्लास थर्ड्स स्टूडेंट्स सो ना टूडे टॉपिक इज चैप्टर फर्स्ट माई डॉलीज आंसर क्वेश्चन पार्ट ओके आज का टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट माई डॉली क्लास थर्ड का आंसर क्वेश्चन के हिस्से का सो नाउ लेट स्टार्ट व्हाट वी लर्न क्या हमने पढ़ा टू बी टेकन ऑफ ऑर्डरली इसका जवाब औरल uh, देंगे नैम द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच आर टू इन नंबर ऐसे बॉडी पार्ट्स का नाम बताएंगे जो दो दो की संख्या में है टू टू नंबर में है क्या क्या है बोलो ईयर हैंड्स यस सेकंड व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डू टेलर सिंगर एंड टीचर यूज व्हेन दे वर्क जब टेलर सिंगर और टीचर अपना काम करते हैं तो कौन कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं टेलर हैंड एंड सिंगर माउथ टीचर माउथ एंड यस रिटर्न टास्क व्हाट डिफिकल्टी वुड यू फेस इफ यू डू नॉट हैव टंग एंड हैंड्स क्या डिफिकल्टी होगी जब आपके पास टंग नहीं होगा एंड हैंड नहीं होगा टंग किसको कहते हैं पता है ना yes. जो माउथ में होता है हैंड हैंड हाथ को कहते हैं है ना हाथों को सो so, क्या डिफिकल्टीज होगी वी 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 टेस्ट टेस्ट विदाउट टंग है ना अगर हमारे पास टंग नहीं रहेगा तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे वी कैन नॉट स्पीक विदाउट टंग ओके हैंड वी we cannot write our notebook without hand we cannot hold anything without hand, hand. हम किसी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे हम लिख नहीं पाएंगे अपने कॉपी पे ठीक है सो दिस इज द आंसर बॉडी विच परफॉर्म दैट एक्शन ओके सेकेंड नंबर इन द वर्ड गिवन बिलो सर्कल द ऑड नंबर ऑड वन आउट एंड नेम दार्ट ऑफ बॉडी विच परफॉर्म दैट एक्शन और वर्ड को निकालना है इसमें जो सबसे अलग होंगे ईटिंग माउस से होता है ड्रिंकिंग माउस से होता है स्पीकिंग माउस से होता है वॉकिंग वॉकिंग माउस से होता है क्या नहीं वॉकिंग किससे होता है लेग से तो वॉकिंग किससे होगा वॉकिंग किससे होगा लेग से तो वॉकिंग होगा यहाँ बस हम वॉकिंग यहाँ हम लेग लिखे हैं ना वॉकिंग लेग से हियरिंग कान नहीं, से नहीं। रनिंग लेग से जंपिंग लेग से तो इन तीनों में लेग का ऑप्शन आया बट इसमें हियर किसे होता येर्स। है ईयर से तो हम इसी को क्या करेंगे सर्कल करेंगे और यहाँ लिखेंगे ईयर्स ओके कैचिंग पकड़ना किससे होता है हैंड से राइटिंग हैंड से रनिंग रनिंग से लेग से टचिंग हैंड, 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 हैंड सो रनिंग इज ऑड रनिंग लेग्स लेग्स होगा ओके क्राइंग रोना किससे होता है आंख से चेविंग दांतों से सिंग आंखों से स्टेयरिंग आंखों से घूरना है ना तो चेविंग चबाना ही इसमें अलग है ना तो चेविंग को हम क्या कर लेंगे शर्कल, चेविंग में चबाना होता 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 है 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 वो किससे किससे से से ओके हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हॉट सिंग आईस ई वाई ई एस आइस हार्ड कठोर सॉफ्ट मुलायम हॉट गर्म लेकिन तो देखना होता है है ना तो ये ऑड वन है ओके लेट्स लुक अराउंड यू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर यूज विल स्विमिंग जब तुम स्विमिंग करते हो तो कौन कौन से पार्ट का यूज करते हो हैंड्स hmm? And...

अलग हैं लेकिन फिर भी एक, एक जैसे, जैसे हैं वी ऑल हैव hands, माउथ nose, एटसेट्रा हमारे पास पैर हैं हाथ हैं माउथ है नोस है, है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट स्टिल वी लुक डिफरेंट फ्रॉम इच अदर है ना फिर भी हम एक दूसरे से क्या हैं अलग, अलग, अलग हैं वी रिकोगनाइज बाय मेयरली लुकिंग एट इच अदर हम एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं थ्रू थ्रू लाइक हाउ आर वी स्टिल डिफरेंट फ्रॉम इच अदर कैसे हम एक दूसरे से अब भी अलग होते हैं फिर भी हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं लेट एस फाइंड आउट चलो देखते हैं कीप योर राइट हैंड पाम ऑन एम टी स्पेस प्रोवाइडेड बिलो जो नीचे दिया हुआ है ये डिब्बा जो दिया हुआ है एम्प्टी बॉक्स उसमें अपने राइट right हैंड को क्या करना है वहां पर करना है एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर और उसका पिक्चर बनाना है क्या बनाना है पिक्चर रिपीट द सेम ऑफ योर लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड पाम ऐसा अपने फिर अपने लेफ्ट हैंड को भी यहां रख के करना है ओके मैच द पिक्चर ऑफ योर पाम विद द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड्स पाम एंड फाइंड आउट अब अपने हाथ को दोनों हैंड का पिक्चर बना लिए उसके बाद तुम्हारा फ्रेंड भी बना लिया होगा अब क्या करना है Find करना है क्या? द पाम आर अलाइक क्या दोनों के दोनों एक जैसा है नो। हुस पाम इज बिगर किसका पाम बिगर है किसका पंजा बिगर है बड़ा है आपको लिखना है डू द लाइन्स ऑन योर पाम अगर घर में हमारे फ्रेंड नहीं है तो भैया दीदी जो भी होंगे उनसे आप मैच करेंगे ठीक है डू द लाइन ऑन योर पाम मैच एच डू द लाइन ऑन योर पाम मैच विथ लाइन्स ऑन योर फ्रेंड्स पाम अब क्या करेंगे जो तुम्हारे फ्रेंड का पाम फ्रेंड का जो पाम है उसमें जो लाइन हुए हैं उनसे हम मैच करेंगे क्या ये सेम है नो हु फिंगर्स आर स्मॉलर किसके फिंगर स्मॉल है छोटे हैं नाउ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और चाक स्केच द आउट लाइन ऑफ योर राइट फुट अब पेंसिल या चाक की मदद से अपने जो राइट पैर है उसका आउटलाइन बनाएंगे ओके okay? प्लस योर फ्रेंड्स राइट फुट ऑन द स्केच अब क्या करना है उस स्केच में अपने फ्रेंड के राइट right पैर को रखना है नाउ स्केच योर फ्रेंड फुट एस वेल एस सी अब तुम्हारे फ्रेंड का जो पैर है उसको स्केच करना है सो नेक्स्ट डस योर फूट मैच विद डेट ऑफ़ योर फ्रेंड क्या तुम्हारा पैर तुम्हारे दोस्त के पैर से मैच होता है नो no, no. नहीं होगा Whose is longer किसका पैर बड़ा है ऑब्जर्व द फेस ऑफ बोथ योर फ्रेंड केयरफुली अब अपने एक दूसरे फ्रेंड को देखो उसके फेस को आर बोथ द फेस अलाइक क्या दोनों के फेस एक जैसे हैं ऑब्जर्व द फेस ऑफ रिमाइंडिंग चाइल्ड ऑफ योर क्लास अब जितने भी बचे हुए फ्रेंड तुम्हारे क्लास में Uh, बच्चे हैं उनको देखो हु आल हैव राउंड फेस किसके गोल राउंड फेस हैं किसके किसके हैं भावना का है हैं और हु हैव लॉन्ग फेस किसका लॉन्ग फेस है लक्ष्मण का है ओके राइट द नेम ऑफ टालेस्ट एंड शॉर्टेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास हु इज टालेस्ट हु इज टालेस्ट टालेस्ट इन योर क्लास सुलेमान सुलेमान ना सो so, सुलेमान इज टेस्ट टेस्ट पर्सन इन योर क्लास ना यू you नो know, ना हु इज शॉर्टेस्ट सबसे छोटा कौन है हु इज शॉर्टेस्ट सबसे छोटा कौन है आस्था 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 नाटी ओके नाटी इज नाटी ओके डिस्पाइट सिमिलैरिटी इन द पार्ट ऑफ योर बॉडी वी स्टिल लुक डिफरेंट फ्रॉम इच अदर इन हम हमारे जितने भी आई जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हैं एक दूसरे से एक समान ही हैं सबके पास टू आइस हैं टू ईयर्स हैं वन नोस हैं वन माउथ है टू हैंड हैं, बट इसके बावजूद भी हम देखने में एक दूसरे से अलग हैं ठीक है यही हमारे में स्पेशल बात है जो कि हम इसकी मदद से एक दूसरे को पहचान सकते हैं है ना अगर आस्था भावना के जैसा दिखने लगी और भाव भावना भी आस्था के जैसा दिखने लगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन आस्था है कौन भावना है है ना ठीक है सबकी अलग अलग आइडेंटिफाई होती है है ना ठीक है योर फ्रेंड्स टू मस्ट बी हैविंग समथिंग स्पेशल इन दैम विच हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दैम तुम्हारे फ्रेंड्स के पास भी कुछ स्पेशल है जिससे वो तुमको पहचान जाते हैं इन द स्पेस गिवन बिलो राइट वाट यू थिंक इज स्पेशल इन थ्री ऑफ योर फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड के पास क्या थ्री ऐसे स्पेशल चीज हैं जिससे तुम उनको देख के पहचान जाते हो मैच द पिक्चर ऑफ योर पाम विद द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड फ्रेंड्स पाम एंड फाइंड आउट नेम ऑफ योर फ्रेंड अपने दोस्त का नाम लिखना है ओके फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्री थ्री दोस्त है ना थ्री फ्रेंड्स फर्स्ट फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड थर्ड फ्रेंड पाम को क्या करना है मिलाना है है ना वाट पढ़ा हमने आज इस चैप्टर पे टू बी टेकन अपी इसका जवाब हम मुंह जबानी देंगे है ना ठीक है मौखिक ही देंगे मुंह से भी तुरंत हाउ मेनी फिंगर्स एंड थम्स आर देयर इन योर हैंड how many one. fingers Please. total Ten. Ten. 10 write down two names yeah. of boys and two names of girls mm -hmm. with long and round face mm -hmm. two name of boys in your class sachin sachin has round face mm -hmm. and one more लेमान सुलेमान हैज राउंड फेस ओके एंड टू गर्ल हुज़ राउंड फेस भावना एंड महानवी येस येस यस साक्षी इज ऑल्सो ना साक्षी का भी है राउंड फेस है नस रिटर्न टास्क नेम फोर बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज या फिर गर्ल्स ऑफ योर क्लास हु आर टालर देन यू फोर बॉय या गर्ल जो तुमसे लंबे हैं ठीक है ठीक है जो तुमसे ऊंचे हैं लंबे राइट नेम ऑफ योर फ्रेंड हु आर शोटर देन यू कुछ ऐसे फोर फ्रेंड के नाम बताओगे जो तुमसे छोटे हैं अगर फोर नहीं है तो वन टू टू का भी नाम बता सकते हो जो तुमसे छोटे हैं फाइंड आउट बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर हाइट इन योर क्लास जो तुम्हारे हाइट के हैं ठीक है सेम हाइट के ऑनलाइज बिगर देन आस्था ओके ऑब्जर्व द डिफरेंस ऑन द बेसिस अब उनको ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो कि क्या डिफरेंस है कलर फैट थिन वाइस हेयर हेयर गर्ल बॉय है ना and, uh, आस्था हेयर इज करली घुंघरालू एंड आस्था इज आस्था एंड uh, भावनास फेस uh, फेस कलर इज सिमिलरली टू ओके okay? एक ही समान है बट मानवी इज लिटिल बिट डार्क ओके थोड़ी क्या है सांवली है ओके हु इज फेयर सबसे गोरी कौन है हु इज फेरेस्ट साक्षी साक्षी इज फेरेस्ट सबसे गोरी है वो है ना ठीक है सो so, ऐसा करके लिखना है आंसर है ना ओके लेट अस लुक अराउंड हेयर आर टू आइडेंटिकल पिक्चर ओके हेर इट इज ऑब्जर्व केयरफुली एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दैम आप इन दोनों पिक्चर को देखेंगे ओके okay? और डिफरेंस बताना है इसमें एक डिफरेंस तो मैं ही बता दे रहा हूँ क्या बता दे रहा हूँ ये जो गर्ल बैठी है ये क्या है इसमें हेयर बैंड पहनी है है ना और ये नहीं पहनी है ठीक है मज़ा आता है इसको करने में है ना आप लोग करके मुझे फिर फोटो खींच के बताओगे है ना जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं है उसमें आप सर्कल करोगे ऐसे ऐसे ठीक है ओके और मेरे में फ़ोटो खींच के आप लोग तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेजोगे ओके ओके यस हाँ सो द नेक्स्ट चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए रहेगा ओके थैंक यू आप लोग जितने भी हैं सब के सब इस एक्सरसाइज को मेरे में लिख के और कॉपी भी बनाना है आप लोग को है ना yes. क्या बनाना है नोट कॉपी भी बनाना है और इसको कंप्लीट करना है जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे ओके ठीक है ये वीडियो सभी क्लास थर्ड के जितने भी बच्चे हैं सभी के पास जाएगा और आप लोग इसको देख के पूरे के पूरे मेरे पास भेजेंगे ठीक है यस